तो दोस्तों आज हम बात करेंगे MSTC के स्टॉक के बारे में। MSTC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको अप्रैल से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको स्टॉक में तेजी ही देखने को मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पे स्टॉक में अगेन अराउंड 10% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 915 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी अगेन 856, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 790 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 696 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1049 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 1200, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1300 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 1400 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1500 और 1600 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।